इस समय हमारे साथ बात करने के लिए है बहराइच से सांसद सावित्रीबाई फूले जी, जो खुद सांसद हैं और अपनी ही सरकार के खिलाफ एक बड़ा जनसभा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो आइए जानते हैं क्या मुद्दा है, किस बात को लेकर जनसभा करने जा रही हैं सांसद जी। मैडम, क्या मामला है, किस मुद्दे को लेकर आप जबकि खुद सांसद हैं केंद्र में, और क्यों ऐसा करने जा रही हैं? क्योंकि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान और आरक्षण के तहत बहराइच लोकसभा सीट से मैं सुरक्षित सीट से चुनाव जीत करके आई हूं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान और आरक्षण किसी के आरक्षण के साथ किसी के प्रकार का कोई छेड़छाड़ ना हो। क्योंकि आप लोग को टीवी, रेडियो, अखबार के माध्यम से पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलता होगा कि कभी कहा जा रहा है कि हम संविधान को बदलने के लिए आए हैं, कभी कहा जा रहा है कि हम संविधान की समीक्षा करेंगे, कभी कहा जा रहा है हम आरक्षण को समाप्त करेंगे, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि भारत के संविधान आरक्षण को हम ऐसा बना देंगे कि रहना ना रहना बराबर होगा। अगर हमारा भारत का संविधान आरक्षण खत्म हो जाएगा तो हमारे बहुजन समाज का अधिकार खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुजन समाज का जो अधिकार है, संविधान है, वो पूरे तरीके से लागू हो, इसकी मैं मांग कर रही हूँ। क्या ऐसी आपको आवश्यकता पड़ी कि ये SC ST जो इसमें बदलाव हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, सरकार से, मोदी सरकार से किस रूप में आप बात किए, और जो दलित समुदाय से जो इतने बड़े सांसद हैं, कई सारे लोग हैं, उनको आप लोग कैसे संगठित कर रहे हैं, कैसे इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगी? चूँकि आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत के संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो पिछड़ी जातियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण पिछड़ी जाति को कोर्ट के आदेश पर मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आज तक पिछड़ी जाति के लोगों को 27% में 5% का आरक्षण का लाभ मिला, शेष 22% का आरक्षण आज तक नहीं दिया गया। यही स्थिति अनुसूचित जाति का है, 23% अनुसूचित जात, पिछड़ी अनुसूचित जात और जनजातियों के लिए है। 23% आरक्षण में मात्र 19% आरक्षण का लाभ मिला, शेष आज तक लागू नहीं किया गया। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि प्रमोशन में डिमोशन हो रहा है, लगातार कहीं न कहीं आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। ऐसी स्थिति में अगर हमारे संविधान और आरक्षण के तहत पूरी तरीके से व्यवस्था लागू नहीं होगा तो हमारे बहुजन समाज का अधिकार छिन जाएगा। इसलिए ज़रूरत है कि हम बहुजन समाज के का जो, चूँकि देश में 85% बहुजन समाज है और इनकी आबादी सबसे ज़्यादा है, तो जब सबसे ज़्यादा आबादी है, सबसे ज़्यादा वोट करते हैं, तो उस आबादी के अनुसार से उनका जातीय जनगणना भी होनी चाहिए। और जब जातीय जनगणना हो जाएगी, उससे ये पता चल जाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं और कितने लोग गरीब हैं, और आज तक गरीबों को लाभ क्यों नहीं दिया गया, इसका पूरी तरीके से ये देश के सामने आ जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू हो, जातीय जनगणना हो, आरक्षण पूरी तरीके से लागू किया जाए और भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू किया जाए। भारत का संविधान दुनिया के संविधान से सबसे बढ़िया संविधान वो भारत का संविधान है। बाबा साहब के नाम में राम जोड़ना किस रूप में आप देखती हैं, क्योंकि आप उसी पार्टी की जो है सांसद हैं, कैसे देखती हैं आप? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान निर्माता हैं। अगर बाबा साहब ना होते तो हमारा देश आज़ाद ना होता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ना होते तो दुनिया के संविधान से सबसे बढ़िया संविधान भारत का ना होता। और भारत का संविधान इतना बढ़िया संविधान है कि अगर पूरी तरीके से लागू करा दिया जाए तो चिराग उठा करके भारत में गरीबी आप ढूंढोगे, भारत में गरीबी नहीं पाओगे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम के साथ में भी जो हो रहा है, मैं तो इससे मानती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो नाम है, पूरे देश का बहुजन जिस नाम से जानता है उसी नाम को बरकरार रखना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम ही रहना चाहिए, इसके साथ किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। यह मैं सरकार से मांग करती हूँ।
लगातार देखा गया है कि संघ प्रमुख जो मोहन भागवत हैं और भी सुब्रमण्यम स्वामी जैसे ऐसे बड़े नेता भाजपा के लगातार जो है वो संविधान में संशोधन करने की बात करते हैं, आरक्षण को जो है उसमें संशोधन की बात करते हैं, और अब तो SC ST में जो बदलाव देखा गया है उसको आप कैसे देखती हैं और किस तरीके से उस पार्टी में अपने आप को समाहित कर रही हैं, लगातार सांसद के रूप में कैसे आप उसको डिपेंड करेंगे? देखिए, भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू हो और भारत के संविधान को लागू करने के लिए ही हम पूरी तरीके से मांग कर रहे हैं। आरक्षण के साथ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बातें आती हैं, इससे पूरे देश का बहुजन आज चिंतित है, आहत है। इसलिए पूरे देश का बहुजन अपने हक किसी अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने सम्मान सुरक्षा के लिए, अपने संविधान को लागू कराने के लिए, अपने आरक्षण को लागू कराने के लिए पूरी तरीके से सड़क पर उतर चुका है। इसलिए अपने हक किसी अधिकार की लड़ाई ही के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, जो 1 अप्रैल को कल दिन इतवार को भारतीय संविधान आरक्षण बचाओ रैली में करने जा रही हूँ। पूरे देश के बहुजन समाज को बुलाया है और आप लोगों को पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों से अनुरोध करती हूँ कि सभी अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजात, आदिवासी महिलाएं भारी संख्या में पहुंचकर अपने हक किसी अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए सभी लोग इकट्ठा हों और इस आंदोलन के माध्यम से हम पूरे देशवासी हम अपने अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। SC ST जो बदलाव हुआ है मैडम, उसको आप अगर नहीं BJP मानती है तो क्या मायावती के साथ या सपा के साथ आप जाएंगी, कैसे देखती है? देखिए, मैं वही तो कर रही हूँ कि भारत के संविधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को पूरी तरीके से लागू होना चाहिए, जो आरक्षण की व्यवस्था है उस पूरी तरीके से लागू होना चाहिए, जो भारत के संविधान में जो कानून है उस कानून को पूरी तरीके से लागू होना चाहिए, किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ ना होना चाहिए जिससे हमारा बहुजन समाज आहत हो, हमारे बहुजन समाज के लोगों को पूरी तरीके से न्याय मिलना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ सावित्री बाई फूले, जिनका साफ कहना था कि वो दलित, कुचले, पिछड़े, OBC इस तरीके के जनमानस के लिए वो अपनी सड़क से संसद तक लड़ाई जारी रखेंगी। कैमरामैन विशाल के साथ मैं रामबाबू, TV इंडिया लाइव लखनऊ से।